अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां देश के लिए जान लगाकर रक्षा करने वाले फौजियों की हालत अंदरूनी विभाग के द्वारा इस कदर कर दिया जाता है कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही रिटायर विवेक तिवारी आर्मी मैन निवासी बरहुला तहसील जवा रीवा मध्य प्रदेश द्वारा बताया गया कि 30 अक्टूबर को उनकी जमीन का गलत सीमांकन राजस्व निरीक्षक प्रजापति तथा पटवारी के द्वारा कर दिया गया है। इस आरोप की शिकायत तहसीलदार जवा से की गई है, किंतु अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक तिवारी है। कहाँ से है? बरहुला में रहने वाला हूँ। आर्मी का पूर्व सैनिक हूँ और आर्मी का सबसे अच्छा चरित्र मुझे मिला हुआ है एग्जाम पंडित। आपके साथ क्या समस्याएं? मेरे साथ दो समस्याएं इसमें मुख्य रूप से हैं, राजस्व विभाग से संबंधित जी। पहली चीज़ तो एक सीमांकन अवैध तरीके से श्रीमती उर्मिला मिश्रा जी का किया गया है आरआई सूर्यभान प्रजापत जी द्वारा, और उसमें पटवारी श्रीराम प्रसाद माझी जी थे। किस सन की बात है ये सीमांकन का मामला? तो अभी कुछ दिन पहले का है, लगभग 30 अक्टूबर का है ये मामला। ये माननीय तहसीलदार साहब श्री उमेश तिवारी जी के यहाँ से भी हमने इसका लिया हुआ है। कौन से तहसील में? ये पहला सर्किल में माननीय उमेश तिवारी जी तहसीलदार साहब हैं जी। जी और एक मामला और है नक्शा तरमीम से संबंधित, ये आपको हम बताना चाहेंगे। 2020 का मामला है जी, इसी अराजी खसरा नंबर 457 मूल नंबर का। इसमें एक बटांकन जो है वो एक उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि पहले दिसंबर में ही 10 दिन पहले एक नक्शा तरमीम की कॉपी हमें हाथ लगी है, जो किसी दूसरे भूमिस्वामी को दी गई थी पटवारी साहब द्वारा, श्री रोहित सिंह जी द्वारा। और इसके बाद जो हमें कॉपी दी गई थी उसमें वो नंबर उत्तर की दिशा में था, और अभी जो और दोनों कॉपी माननीय तहसीलदार साहब द्वारा सर्टिफाइड हैं और दोनों हमारे पास हैं। इसको लेकर के हमने माननीय उमेश तिवारी जी के पास शिकायत की तो उन्होंने कोई कार्यवाही इसमें की नहीं, इसलिए हमने तत्पश्चात माननीय मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ इस्तगासा केस एडमिट किया है त्योंथर में जी। जी बिल्कुल। अब शासन प्रशासन से भी चाहते हैं कि माननीय श्री उमेश तिवारी जी इस सीमांकन को अवैध करार देते हैं दें, हमारा ये निवेदन है उनसे। दूसरी चीज़, ये पटवारी साहब श्री रोहित सिंह जी जो अभी तक 2020 से हमने सोच रखा था कि चलिए कर्मचारी हैं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाता है कि सब बाल बच्चेदार आदमी होते हैं, किसी के खिलाफ छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी इस्तगासा जैसा केस नहीं करता। बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर जाना तो कार्यवाहियाँ हो जाती हैं गलत के खिलाफ, लेकिन अभी क्योंकि वो सीमांकन करने वाले राम प्रसाद माझी जी और श्री रोहित सिंह जी दोनों का इसमें हस्तक्षेप था उस समय, तो वो जान जाएंगे, वो समझे था कि गलत का परिणाम क्या होता है, और ये कहना नहीं चाहिए 2000-4000 में बिकने वाली है 2 पैसे के पटवारी, अभी जान जाएंगे कि एक विवेक तिवारी से पाला पड़ा है पूर्व सैनिक से जी। जी आप गोल्ड मेडल भी प्राप्त थे क्या? जी मैं आर्मी का सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर मुझे मिला हुआ है जी। जी और इसका प्रमाण पत्र है मुझे मेरे पास बकायदे, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी होता है। अगर आपके साथ न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के वहाँ पे भोपाल में जा कर के अपने लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ और वहाँ पे हम धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे।